अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑवरली वर्सेस फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अपवर्क पे दो तरह की जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं। एक वो है जो कि ओवरली बेस आपको उन पे काम करना पड़ता है, और एक वो है जिन पे आप फिक्स्ड काम करते हैं। फिक्स्ड काम करने का मुराद ये है कि किसी भी बायर को कोई सर्विस चाहिए, लेट्स सपोज उसे एक वेबसाइट बनवानी है, तो वो एक बजट सेट कर देगा कि मेरा बजट $200 है। और आपको अगर वो जॉब समझ आ रही है और आप उस बजट के अंदर वो कर सकते हैं, तो आप उसको अप्रोच करेंगे कि आई कैन डू दिस, और वो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दे देगा और आप उस पर काम करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका, राइट, $200 आपको मिल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, जो दूसरे टाइप की जॉब्स हैं उनको हम आवरली जॉब्स कहते हैं। आवरली जॉब्स ये है कि क्लाइंट जो है वो आपको हायर करता है ऑन आवर बेसिस। लेट्स सपोज वो आपसे कहता है कि $10 पर आवर, और वो आपकी लिमिट सेट कर देता है कि वीक के अंदर आप 30 घंटे काम करोगे और हर घंटे का आपको $10 मिलेंगे। तो आप उस एक वीक के अंदर जितना भी काम करोगे उतने आवर्स के आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से ओवरली और जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है ये इस तरह से काम करते हैं। तो चले मजीद इनका जो डिफरेंस है वो देखते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चल के एक इमेज के जरिए। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखें जो यहाँ पे इस साइड पे हैं वो हमारे पास फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और यहाँ पे ओवरली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये है कि माइलस्टोन सिस्टम होता है कि आपने, मतलब क्लाइंट ने एक माइलस्टोन क्रिएट किया $100 का, आपने हाफ काम डिलीवर किया, उसने वो माइलस्टोन अप्रूव किया, वो $100 आपकी तरफ आ गए, और अगेन फिर आपने रिमेनिंग जो 50% काम है वो आपने कंप्लीट करके दिया, तो क्लाइंट ने बकाया $100 भी आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। इस तरह से जो है फिक्स कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। ऑन द अदर हैंड जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर ये है कि क्लाइंट आपको हायर कर लेता है, अब वो काम एक घंटे में हो रहा है, 10 घंटे में हो रहा है, 20 घंटे में हो रहा है, क्लाइंट आपको उस रेट के मुताबिक पे करेगा जिसके मुताबिक उसने आपको हायर किया। लेट्स सपोज $10 पर आवर, $5 पर आवर, मिनिमम $3 पर आवर पे वो आपको हायर कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ओवर बजट, क्लाइंट जो है वो यहाँ पे अपने बजट को कंट्रोल कर सकता है। मतलब सिर्फ उसने कह दिया कि मेरा $200 बजट है, इसी के अंदर मुझे ये काम करके देना, तो आपको उसी के अंदर ही काम करके देना पड़ेगा। ऑन द अदर एंड जो ओवरली कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आप आगे पीछे भी जा सकते हैं। मतलब अगर 10 आवर में करेंगे तो लेट्स सपोज $10 के हिसाब से आपको $100 मिलेंगे, 20 घंटों में करेंगे तो $200 मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि वो आप कितने आवर्स के अंदर वो काम कंप्लीट कर लेते हो। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारे पास है चेक पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखें माइलस्टोन्स जो हैं तो वो ये बायर को कंफर्म करवा देते हैं कि 50% काम बिल्कुल ठीक हुआ है, तो नेक्स्ट माइलस्टोन पे मुझे क्रिएट कर देना चाहिए और नेक्स्ट इसके साथ काम करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारे पास जो है स्ट्रीमलाइन बैच प्रोजेक्ट्स एक्सपेंड द स्कोप ऑफ वर्क विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर क्लाइंट ने आपको एक बार हायर कर लिया आवरली बेसिस पे, और उसने मतलब उसका मजीद काम आपने करना है, उसने फर्स्ट काम से वो सेटिस्फाई और काम वो आपसे करवाना चाह रहा था, उसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं, उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप आवर्स चलाते रहें और आप काम करते रहेंगे। इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन है न्यू कॉन्ट्रैक्टर, अगर जो आप मतलब बायर के लिए, बायर आपको तब न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स पे ऑलमोस्ट फिक्स प्राइस पे हायर करता है जब वो देखता है कि आप जो हैं वो नए बंदे हैं, वो आपको फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हायर कर लेता है और देखता है कि आपने किस तरह से काम किया, उसके बाद वो आपको ओवरली पे शिफ्ट कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे क्लाइंट ही ऐसे कहें, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट ऐसे ही करते हैं, ताकि क्योंकि उनको फिक्स कॉन्ट्रैक्ट से आपको पता चल जाता है कि कितने टाइम में ये कितना काम कर सकता है और इसने कितने बजट में कितना काम किया, उस हिसाब से वो ओवरली, ताकि उन्हें बार बार नया कॉन्ट्रैक्ट नए काम के लिए आपके साथ क्रिएट ना करना पड़े। ये चार्ट बायर के पर्सपेक्टिव से था, तो आपको यहाँ से बिल्कुल डिफरेंस मालूम हो गया होगा कि किस तरह से ओवरली कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं और किस तरह से जो है वो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।